दिल्ली से जहां पर कोर्ट के बाहर फायरिंग हुई है, जानकारी यह मिली है कि 30,000 कोर्ट के बाहर यह फायरिंग हुई है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता दें, ये दिल्ली से सामने आ रही है जहां पर 30,000 कोर्ट के बाहर फायरिंग की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और ऐसे में ये फायरिंग किस तरीके से हुई है, कौन हमलावर थे, इसकी जांच की जाएगी। और आपको बताएं कि जब तमाम वकील वहां से गुजर रहे थे और ऐसे में अचानक ये फायरिंग हुई और पिस्तौल लहराते हुए वहां पर कुछ लोग नजर आए हैं, वहां पर एक पत्थर भी फेंका गया है। और आपको बताएं कि सफेद शर्ट और काली पैंट पहने एक शख्स वहां पर पिस्तौल लहराते हुए हवा में फायरिंग करता हुआ नजर आया। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख कर लेंगे, मानव हमारे सहयोगी जुट गए हैं। वकीलों के बीच बहस के बाद बताया जा रहा है ये फायरिंग हुई है, पूरी अपडेट क्या है मानव? देखिए, ये कहा जा रहा है कि करीब 1 बजे से 1:15 बजे के बीच की घटना है। दो गुट है वकीलों के, उनमें कोई झड़प हुई थी, उसके बाद ये फायरिंग हुई है। हालांकि अभी ये बात सामने आना बाकी है कि जिस पिस्टल से फायरिंग करते हुए जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या वो पिस्टल लाइसेंसी है या फिर अवैध हथियार था, तो इसकी ये सब जांच के बाद अभी सामने आएगा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सफेद और काले कपड़े में जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो वकीलों की है, और वकीलों के दो गुट हैं जिनमें झड़प हुई और उसके बाद कोर्ट परिसर के बाहर हाथ उठाकर पिस्टल से फायरिंग करते हुए वहां पर दिन दहाड़े ये वाक्या पूरा कैमरे पर कैद हुआ है। बिल्कुल मानव, तस्वीरें भी हम कुछ देर में दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन हम जो तस्वीरें फिलहाल देख पा रहे हैं उसमें वकीलों के बीच बहस होती दिखाई दे रही है और उस बीच एक वकील जो है वो हाथ उठाकर ऊपर हवा में फायरिंग करता है। लेकिन इस दौरान आसपास में जो मौजूद वकील हैं, हम वो देख रहे हैं कि कुछ उसमें फोन पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ आराम से टहल रहे हैं। तो क्या बहस हुई थी, क्या जानकारी इसको लेकर मिल पाई है? देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि कुछ पदाधिकारी हैं, उनके बीच में कुछ झगड़ा चल रहा था, लंबा विवाद था। उसके बाद हालांकि इस पूरे मामले में किसी को गनीमत की बात यह है, किसी को कोई हताहत नहीं है, कि कोई घायल नहीं हुआ है और हवाई फायरिंग यहाँ पर की गई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुछ पदाधिकारी थे, वकील थे, उनके बीच में विवाद चल रहा था, उसके बाद ये हवाई फायरिंग करते हुए यहाँ पर दिखाई दिए। मानव, और क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि तस्वीरें अब हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर फायरिंग होती है 30,000 कोर्ट के बाहर। न्यूज 18 इंडिया पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जानकारी ये मिल रही है, शुरुआती जानकारी की बहस होती है वकीलों के बीच में, उसके बाद ये पिस्तौल लहराता हुआ ये शख्स नजर आ रहा है जो खुद वकील बताया जा रहा है जिसने फायरिंग की। मानव, क्या उसको पकड़ लिया गया है? देखिए, अब पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि वकीलों के दो गुटों में बहस हुई थी, उसके बाद फायरिंग हुई है और मौके पर दिल्ली पुलिस तैनात है। अभी तक इनमें कितने लोगों को हिरासत में लिया गया इसके बारे में अभी कोई जानकारी पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है, क्योंकि ये घटना अभी करीब 30 से 45 मिनट पहले की है। तो इसमें पुलिस की तरफ से और क्या कार्रवाई की जाएगी ये भी देखना होगा, और इसमें पुलिस क्या कहती है उसका भी हमें इंतजार है। मानव, हमने अक्सर देखा है वकीलों के बीच में वर्चस्व की, दबदबे की लड़ाई को लेकर कि कौन ज्यादा पावरफुल है, इसको लेकर अक्सर झड़पें होती रहती हैं। क्या संभावना है कि ऐसी ही ये कोई झड़प हो सकती है? बिल्कुल, देखिए अभी इस तरीके से कयास हम जरूर लगा सकते हैं, लेकिन दिल्ली के चाहे रोहिणी कोर्ट हो, 30,000 कोर्ट हो और तमाम इन कोर्टों में ये देखा जाता है कि कई बार जो आरोपी पेशी के लिए जाते हैं उन पर हमला होता है, कई बार वकील आपस में एक दूसरे पर हमलावर हो जाते हैं, कई बार जो एक अपनी फरियाद लेकर कोर्ट पहुंचते हैं उनसे भी वकीलों की झड़प होती है। तो दिल्ली वालों के लिए ये घटना नई नहीं है, लेकिन जिस तरीके से दिन धारे हाथ में पिस्टल लेकर और वकील के आप देखें तो सफेद और काले कपड़े जो वकील की पहचान होती है न्याय दिलाने के लिए, उनको कहते हैं कि कोर्ट की दरवाजे तक वो एक आम आदमी की आवाज को लेकर जाते हैं। अगर वही कोर्ट के भीतर चाहे कोई भी बात हो उसको लेकर अगर इस तरह की पिस्टल तानेंगे तो अपने आप में ये बड़े सवाल उठते हैं वकीलों के ऊपर भी और दिल्ली पुलिस के ऊपर भी, कि दिल्ली में जितनी भी कोर्ट है वहां पर दिल्ली पुलिस की अच्छी खासी संख्या में तैनाती होती है, ऐसे में हथियार लेकर वहां पर वकील कैसे पहुंचे, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के रवैये पर भी सवाल खड़े होते हैं। अगर तस्वीरें जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, अगर आप समझा पाए कि ये जो हिस्सा हम दिखा रहे हैं ये कौन सी जगह एग्जैक्टली है जहां पर ये फायरिंग हुई है, और क्या दोनों पक्ष का बयान इस पर अभी तक सामने आ पाया है, दोनों जो गुट है क्या कोई आपसी रंजिश थी इन दोनों की, क्योंकि हम देख रहे हैं बाकी जो वकील है वो बड़े कैजुअली वहां पर घूम रहे हैं। देखिए, शुरुआत में ये जरूर कहा गया है कि दो गुटों में बहस हुई, बहस के बाद कोर्ट परिसर की बाहर की तस्वीरें हैं, कोर्ट परिसर की भीतर की तस्वीरें बिल्कुल भी नहीं है, कोर्ट परिसर के बाहर की जो रिहायशी इलाका है वहां की तस्वीरें बताई जा रही है, और आप उसमें देखेंगे तो कुछ वकील एक दूसरे पत्थर भी फेंकते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ये अभी मामला क्या है, पुलिस इसमें तफ्तीश क्या कर रही है, कितने लोग को गिरफ्तार किया गया है, कितने लोग को हिरासत में लिया गया है, ये सब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा।
तो मानव हमारे सहयोगी हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। दरअसल ये दिल्ली के 30,000 कोर्ट के बाहर की तस्वीरें जहां पर वकीलों के दो गुटों में बहसबाजी होती है और एक शख्स यहां पर फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस मौके पर मौजूद है और उसके बाद पता चल पाएगा कि क्या ये कोई आपसी रंजिश थी या फिर कोई और विवाद था जिसके बाद यहां पर गोली चलानी पड़ती है। लेकिन यहां पर ये तस्वीरें जो सामने आई हैं 30,000 कोर्ट से, ये कई सारे सवाल खड़े करती हैं। हमारे सहयोगी मानव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मानव, कोई नई जानकारी जो आप हमसे साझा करना चाहें? अभी जानकारी की पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पार्किंग को लेकर भी वकीलों के दो गुटों में विवाद हो सकता है, उसको लेकर यहाँ पर ये इतनी हिंसक झड़प हो गई कि पहले बहस हुई, उसके बाद वकीलों ने एक दूसरे पर फायरिंग की, हवाई फायरिंग की। तो ये अब एक नई जानकारी अभी तक निकल के हमारे पास सामने आई है, सबसे पहले कि पार्किंग को लेकर भी वकीलों के बीच में विवाद हुआ है। अब क्या इसकी सच्चाई क्या है वो दिल्ली पुलिस बताएगी कि क्या सच में पार्किंग के वजह विवाद हुआ है या कोई पुरानी रंजिश है जिसके तहत वकील एक दूसरे पर गोली चलाते हुए दिल्ली में दिखाई दिए हैं। मानो, एक आपकी बातचीत में एक बहुत अहम बिंदु का आपने जिक्र किया कि कानून के रखवाले ही अगर इस तरीके से कानून तोड़ते हुए नजर आएंगे तो फिर आगे क्या ही सोचा जा सकता है। ये क्या हाई टाइम है जबकि इस तरीके से वकीलों को सोचना चाहिए कि इस तरह का मैसेज समाज में नहीं देना है? और फिलहाल कोर्ट के बाहर की सिचुएशन कैसी है? देखिए, फिलहाल तो दिल्ली पुलिस एक तरीके से मुस्तैद है। दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ ये कहा गया कि दिल्ली पुलिस मौके पर मौजूद है और दिल्ली पुलिस जांच कर रही है कि आखिर वजह इसके पीछे क्या है। फिलहाल जो पहली जानकारी, प्रथम दृष्टया जानकारी ये निकल के आ रही है कि पार्किंग को लेकर विवाद हुआ। और जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि देखिए, दिल्ली में इस तरीके से वकीलों के बीच में झड़प देखने को मिलती है, लेकिन ये बहुत ही हैरान करने वाला है, दिल्ली पुलिस की सुरक्षा के ऊपर कड़े सवाल करने वाला है कि वकील अपनी वर्दी में, अपनी ड्रेस में कोर्ट परिसर के बाहर इस तरीके से दिन दहाड़े, दोपहर के करीब 1 बजे के आसपास दिन दहाड़े पिस्तौल तान देते हैं। ऐसे में वकीलों की सुरक्षा के साथ साथ ये सवाल भी कहीं ना कहीं खड़े होते हैं कि कोर्ट के अंदर जो लोग जा रहे हैं वो किस तरह के लोग हैं, कि वो अपने साथ में पिस्तौल लेके जा रहे हैं। और वो लोग जो लोगों को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट परिसर के भीतर जाते हैं, अगर उनके हाथ में पिस्तौल है तो ये तस्वीर अपने आप में चिंताजनक है। ठीक है।